नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखीमपुर खीरी हिंसा में बेटे आशीष के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज होने के बाद उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आपा खो दिया। अजय मिश्रा बुधवार को लखीमपुर में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। इसी दौरान जब एक टीवी पत्रकार ने सवाल किया तो अजय मिश्रा ने उसे धक्का दे दिया और अपशब्द भी कहे। बताया जा रहा है कि भाजपा हाईकमान ने अजय मिश्रा को दिल्ली बुला लिया है। दरअसल रिपोर्टर मंत्री जी से एसआईटी जांच के बारे में सवाल कर रहा था। इसी पर अजय मिश्रा भड़क उठे, रिपोर्टर से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बे? जिस काम से आए हो उसके बारे में बात करो, पहले अपना फोन बंद कर। मंत्री जी यही नहीं रुके, रिपोर्टर को धमकाया भी और धक्का भी दिया। रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो मारने के लिए दौड़ पड़े। मंत्री टेनी ने इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था यदि उनका बेटा इस मामले में दोषी साबित हुआ तो वे पद से इस्तीफा दे देंगे। मंगलवार को कोर्ट ने भी एसआईटी के उस आवेदन को मंजूर कर लिया जिसमें मंत्री के बेटे व उसके साथियों के खिलाफ हत्या की साजिश का मामला चलाए जाने की बात कही गई थी। आशीष मिश्रा, मोनू, लवकुश, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, शिशुपाल, नंदन सिंह बिस्ट, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा और उल्लास उर्फ मोहित, इन सभी के खिलाफ हत्या और हत्या के साजिश का केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।